वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल द इजी एजुकेशन। मैं मोहम्मद सालिक आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही फ्रेश चीज़ यूट्यूब पर। पेपर पैटर्न जो कि चेंज हो चुका है इस साल। आज हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ मैथ्स के बारे में। 2021 के लिए पेपर पैटर्न सीबीएसई ने चेंज कर दिया है। बहुत ही फ्रेश पेपर सीबीएसई आपके लिए लेकर आया है, उसी की बात इस में हम करेंगे। आज हम इस बात करेंगे ये पेपर बच्चों के लिए कैसा रहेगा, इजी है, हार्ड है, वर्स्ट है, बेस्ट है, और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इसकी बात कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, ये बात हम अगली वीडियो में किसी में करेंगे। लेकिन इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीबीएसई ने पेपर अपना इशू कर दिया है, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ उसके बारे में है, लेकिन हम अपनी वीडियो में कुछ अलग लेकर के आए हैं। हम वही बात सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने यहाँ पे दे देंगे, आपके सामने रख देंगे पेपर पैटर्न कैसा आएगा और किस किस तरह से क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाएगा और कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आना है, एमसीक्यूज कितने आने हैं, फिलअप कितने आने हैं, और कैसे कैसे किस किस मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सीबीएसई में इस बार आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बच्चों देखिए, ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, यहाँ पर नेम दिया अपना और ये सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट डाली है। देखिए क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए को मैं जूम कर लेता हूँ, देखो ये लिखा हुआ भी है पार्ट ए पे, 24 मार्क्स का पार्ट ए आपका आएगा। पार्ट ए को अगर मैं जूम कर लूँ थोड़ा सा, तो पार्ट ए में दो सेक्शन है। सेक्शन ए 16 मार्क्स का है और सेक्शन वन 16 मार्क्स का है और सेक्शन टू 8 मार्क्स का है। सेक्शन ए में जैसे कि आपके पिछले साल 10 क्वेश्चन आते थे, 5 क्वेश्चन आते थे एक एक मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें वही 16 क्वेश्चन है एक एक मार्क्स के। मतलब बेसिक्स आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ज़्यादा से क्वेश्चन कहाँ से बनता है, मैट्रिक्स से एक मार्क्स का क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस होते हैं, वेक्टर से बनने के चांस होते हैं, डिटरमिनेंट से बनने के चांस होते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन से एक मार्क्स का क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, और चैप्टर वन रिलेशन फंक्शन से एक मार्क्स का क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो ये चैप्टर वन को आपको, ये चैप्टर्स आपको बहुत थ्रोली पढ़ने पड़ेंगे जिससे कि आप एक मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकें। यहाँ पे फोर चॉइसेस देखो ग्रीन पेन से लिखा हुआ है, यहाँ पे फोर चॉइसेस आपको मिलेंगी, इंटरनल चॉइस मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन में आपको 16 करने हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी 5 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी, वहाँ से आपको कोई भी एक करना होगा, हर दो में से कोई एक 5 क्वेश्चन में ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। सेकेंड देखिए 8 मार्क्स का है, 4 मार्क्स के दो क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन होगा, मतलब दोनों क्वेश्चन केस स्टडी होंगे। केस आपको दिया होगा, प्रॉब्लम आपको दी हुई होगी और उसमें 5 होंगे क्वेश्चंस एमसीक्यूज, उन 5 में से आपको 4 करने होंगे। एक चॉइस है इन ईच, 5 में से कोई से भी 4 आपको वहाँ पे करने होंगे, एक्सटर्नल चॉइस यहाँ पर है। और बस यही 8 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है टोटल एमसीक्यूज ओनली 8। चैप्टर वन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ, पार्ट वन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। पार्ट हम बी की बात अब करते हैं यहाँ पे, ये देखिए पार्ट बी आपका आएगा 56 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल यही रहने वाला है। सेक्शन थर्ड पार्ट बी में जो पहला सेक्शन होगा वो सेक्शन थर्ड होगा, और कैसा आएगा देखने को मिलेगा आपको वहाँ पे कैसे, ये देखिए 10 आएंगे, दो दो नंबर के क्वेश्चन, दो दो नंबर के 10 क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, मैट्रिक्स से बन सकते हैं और डिटरमिनेंट से बन सकते हैं, 3 वहाँ पे इंटरनल चॉइस आपको गिवन होगी, और वेक्टर से 3D से यहाँ से बनेंगे सभी। अलग वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कहाँ से किसका कितना आएगा। सेक्शन फोर्थ ये देखिए 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 21 मार्क्स के 2 चॉइसेस, और सेक्शन 5 में लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे जो कि इस बार सबसे कम कर दिए सीबीएसई ने। पहले 6 आते थे फिर 4 आने लगे, इस बार सबसे कम कर दिए, सिर्फ 3 ही आएंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट और खास बात यह है और अच्छी बात यह है, 3 के 3 क्वेश्चन में चॉइसिस होगी। मतलब जैसे ग्राफ का कोई क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ के रिलेटेड 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से कोई एक आपको करना होगा। जैसे कि प्रोबेबिलिटी का 22 थ्योरम के 2 क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक वहाँ पे करना होगा, मैट्रिक्स के 2 क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे कोई भी एक आपको करना होगा। तो इस तरह से टोटल 18 मार्क्स का पेपर यहाँ पे पूरा हुआ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सैंपल सीबीएसई ने जो इशू किया है वहाँ पर। जाने से पहले वीडियो को रोककर यहाँ पे सब्सक्राइब करें चैनल, बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमारा जो होगा इनकरेजमेंट, हम इनकरेज हो जाएंगे, इंस्पायर होंगे उससे, और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ यहाँ पर लेकर के आएंगे। क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 11th मैथ्स, क्लास 12th मैथ्स, क्लास 9th साइंस, क्लास 10th साइंस, क्लास 9th मैथ, क्लास 10th साइंस, ये सभी सब्जेक्ट पे हम वीडियो बनाने वाले हैं।
पासिंग मार्क्स स्ट्रेटजी, फुल मार्क्स स्ट्रेटजी, नोट्स, और यहाँ पे हम इन्हें टीच भी करेंगे। और इंग्लिश 9 to 12, इंग्लिश तो यहाँ पे हमारा साथ साथ पैरेलल चलता ही रहता है। आप देखते भी होंगे रोज़ाना एक इंग्लिश की वीडियो या दो इंग्लिश की वीडियो पैरेलल यहाँ पे आती रहती हैं। तो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं, हम अपना पेपर पैटर्न देख लेते हैं एक बार जो CBSE ने इशू किया है। तो देखिए बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पर पैटर्न है, पेपर सैम्पल पेपर है। ये सब बात जो हमने आपको बताई है शॉर्ट में, वो सब बात यहाँ पर लिखी हुई है। पार्ट ए पार्ट बी के बारे में सब लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। वही है जो मैंने आपको बताया अभी। ये देखिए सेक्शन ए के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सेट से आपको देखने को मिलेगा, रिलेशन फंक्शन से देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन भी रिलेशन फंक्शन से देखने को मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन भी वहीं से ही है। फोर्थ क्वेश्चन मैट्रिक्स, फिफ्थ डिटर्मिनेंट आपको देखने को मिलेगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन हैं ये। ये देखिए 6, 7, मैं पूरा पेपर यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा, आप पूरा पेपर आराम से समझ लीजिएगा। कोई दूसरी वीडियो में आएंगे कि कौन कौन सेक्शन में कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन वहाँ पे बोर्ड में आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आप पेपर देख लीजिएगा, पेपर में स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये देखिए केस स्टडी वाले क्वेश्चन यहाँ पर आ गए। ये आपको यहाँ पर केस दे दिया 17 में, और ये इसके पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सब MCQs में ही हैं, आप देख सकते हैं। ये 18 केस स्टडी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का इन्होंने यहाँ पर दिया है, एग्ज़ाम में कोई सा भी आ सकता है। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो वर्डिक्ट है यहाँ पे, फाइनल वर्डिक्ट जो निकल कर आई है, पेपर इजी है आपके लिए, इजी है, कम टाइम में पेपर सॉल्व हो जाएगा। लेंथी पेपर ये नहीं होने का बिल्कुल भी, कम टाइम में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जो जिन बच्चों से आता है और वो थोड़ा स्पीड अगर अपनी मेंटेन ना भी करके चलें, जब भी वो यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, बस थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि वो जो 1 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे वो तभी हो पाएंगे जब आपने चैप्टर थ्रोली पढ़ रखा होगा। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू थैंक यू टू ऑल टू वॉचिंग दिस वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब टू चैनल येट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।